हनी ट्रैप मामले की मुख्य सरगना श्वेता विजय जैन मीडिया को सब कुछ बताना चाहती हैं। उसने कहा, मुझे छूट जाने दीजिए, आपको सब बता दूंगी। सोमवार को आयकर विभाग के समन पर श्वेता को पूछताछ के लिए भोपाल आयकर दफ्तर लाया गया। उससे आईसीआईसीआई बैंक के लॉकर से मिले 43 लाख रुपए की नकदी के सोर्स और अन्य लेन देन के बारे में पूछताछ की गई। हनी ट्रैप की मास्टरमाइंड श्वेता विजय जैन और उसके गैंग को लेकर कई खुलासे हो चुके हैं। उसके इस धंधे में नेता, अफसर, व्यवसायी और पत्रकार सब लिप्त पाए गए हैं। ऐसा लगता है अपने बारे में प्रकाशित और प्रसारित हो रहे समाचारों से श्वेता परेशान है और मीडिया को बहुत कुछ बताना चाहती है। मीडिया से बातचीत करते हुए श्वेता ने कहा कि इस पूरे मामले पर वह जेल से बाहर आने के बाद अपनी बेगुनाही साबित करेगी। श्वेता ने हनी ट्रैप मामले में अब तक हुई मीडिया कवरेज पर नाराजगी जाहिर की है और कहा है कि मुझे ज्यादा बात नहीं करनी है, लेकिन उसने यह जरूर कहा, मुझे छूट जाने दीजिए, आपको सब बता दूंगी। मैं बता दूंगी, मेरे को छूट जाने दीजिए, मैं सब गवा देती हूँ। आप लोगों ने इतना अच्छा छाप दिया पेपर में, मेरे लिए कुछ बचे नहीं। श्वेता को इंदौर जेल से जेल वाहन में ही लाया गया। श्वेता विजय जैन भोपाल के मिनाल रेसिडेंसी में रहती थी। उसने सोनागरी स्थित आईसीआईसीआई बैंक के लॉकर में नकदी और दस्तावेज रखे थे। हनी ट्रैप मामले की जांच के लिए गठित एसआईटी ने इस लॉकर से 43 लाख रुपए की राशि और लेन देन के दस्तावेज जब्त किए थे। आयकर विभाग द्वारा जानकारी मांगे जाने पर एसआईटी ने इस पूरी जांच के दौरान मिली नगद की डिटेल आयकर विभाग को सौंप दी थी। इसी आधार पर पिछले हफ्ते श्वेता विजय जैन को पूछताछ के लिए समन भेजा गया था। आयकर विभाग के ज्वाइंट कमिश्नर वेदांत कंवर ने श्वेता से पूछताछ की। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।